हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। तो केमिकल रिएक्शंस और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और उनकी प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? The type of change in which only the physical appearance of the substance is changed, not its physical composition. यानी कि उसका physical composition change नहीं होता, appearance change होती है सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? Physical change ऐसा change होता है जिसमें जो substance है, जो चीज है, बस वो दिखने में उसकी appearance change होती है, उसको दिखने में ही वो बदलता है, अंदर से जो उसकी properties होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं change होती। इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है? यानी कि वो अंदर से बिल्कुल नहीं बदलेगा, बस हम उसकी दिखावट बदल जाएगी, उसकी अपीयरेंस बदल जाएगी बस, तो वो चेंज फिजिकल चेंज होता है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे? जैसे कि वाटर है, वाटर को मैंने फ्रीज किया तो वो क्या बन जाएगा? फ्रीज करने में क्या बन जाएगा? आइस। और आइस को अगर मैं मेल्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा? वो वाटर। तो यानी कि कैसे चेंज होते हैं? ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं, ये आपस में चेंज भी हो सकती है, यानी कि वाटर टू आइस बन सकता है और आइस टू वाटर। यानी कि मैं इस एरो पे दो साइड, डबल साइडेड एरो बन जाएगा फिर, क्योंकि वो क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे? वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? यानी कि ये चेंज हो सकता है, इनकी कॉम्पोजिशन नहीं बदली है, बस अपियरेंस बदला है। वाटर दिखने में अलग होता है, आइस दिखने में अलग है, बस इनकी दिखावट बदली है, इनका कॉम्पोजिशन सेम है। अब पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के अपोजिट होते हैं, यानी कि इनमें फिजिकल अपीयरेंस यानी दिखने में भी बदलते हैं, साथ ही साथ केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदलती है। केमिकल कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो चेंज। द टाइप ऑफ चेंज इन विच फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। यानी कि उस तरह के चेंज जिनमें फिजिकल अपीयरेंस यानी कि दिखने में तो बदलते ही है, साथ में उनकी जो है कॉम्पोजिशन है वो भी बदलती है, यानी कि जो उनकी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो भी चेंज हो जाती है। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो अब ये चेंज होकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है? तो क्या है अब इसमें? कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। इसकी कॉम्पोजिशन बदल गई, इनकी प्रॉपर्टीज बदल गई। कार्बन मान लो सॉलिड था, ठीक है, मान लो कार्बन सॉलिड था, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस। तो इस गैस में बन गया, यानी कि सॉलिड से, फॉर एग्जांपल सॉलिड से गैस में बदल गया। वैसे कार्बन भी गैस गैसियस स्टेट में होता है, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है? कोल हमारा कार्बन ही होता है, कोयला जिसको कहते हैं वो कार्बन का ही होता है, पूरा कॉम्पोजिशन उसी कार्बन की होती है, तो क्या है? सॉलिड है एक तरह से, ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है? और ये प्रोसेस कैसा हो गया हमारा? केमिकल चेंज, ठीक है? ये बिल्कुल ही, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है और ये दिखने में भी बदल गए। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि अब फिजिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले देखो, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस सच एज स्मेल, कलर, फिजिकल स्टेट एक्सेट्रा। यानी कि जो सब्सटेंस होगा जिसमें फिजिकल चेंज आया है, सिर्फ उसकी कैसी प्रॉपर्टीज बदलती है? स्मेल बदल सकती है, उसका कलर बदल सकता है, उसकी फिजिकल स्टेट बदल सकती है। फिजिकल स्टेट जैसे कि वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, सब्सटेंसेस कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट इफ द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड। अब इस चीज को समझना, सब्सटेंस अपनी पहले जैसी पोजीशन में, पहले जैसी स्टेट में वापस आ जाते हैं अगर उनके चेंज होने की रीजन अगर हम रिमूव कर दें। अब इसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे, जैसे कि मैंने वॉटर को बहुत कम टेम्परेचर पर रखा, मान लो मैं उसको जैसे कि फ्रीज कर रही हूँ, वाटर को मैं फ्रीज कर रही हूँ,
अगर मैं उसकी फ्रीजिंग की जो कंडीशन है, मान लो रेफ्रिजरेट कर रही हूँ मैं, पानी को फ्रिज में रखा है मैंने, अगर रेफ्रिजरेटर में हटा दूं, पानी निकाल लूं मैं बाहर, तो वो क्या होगा, आइस अपनी आइस बन जाएगी। तो आइस अपनी पहले की स्टेट में आ जाएगी। पहले की स्टेट क्या थी उसकी, वाटर, यानी कि जो वाटर है वो पहले आइस बना। अब मैंने रेफ्रिजरेशन यानी कि उसको फ्रिज में से हटा दिया, रेफ्रिजरेटर में से हटा दिया, तो वो अपनी पहले जैसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। पहले की पोजीशन क्या थी, पहले की स्टेट क्या थी उसकी, वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड से सॉलिड स्टेट में गया, सॉलिड क्या थी आइस, फिर आइस से लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्या था हमारा, वाटर वापस से। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ये चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्पररी। आपने अभी जो एग्जांपल लिया है हमने इसे समझ लिया हुआ, ये टेम्पररी चेंज होते हैं कि कभी तो वाटर, कभी आइस, फिर वापस वाटर। तो ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं ये चेंजेस, ये परमानेंट नहीं होते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम रहती है, यानी कि जिस चीज से वो बना है वो वैसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, बस उसके दिखावट बदल जाती है, अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंज इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन फ्रॉम इनिशियल सब्सटेंस। इस पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि जो केमिकल चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो प्रोडक्ट आया हमारा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उसकी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल सब्सटेंस से। जैसे कि अब कार्बन था, कार्बन में केमिकल चेंज आया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो वो पहले किस कैसा कॉम्पोजिशन था उसका, मैंने बताया था कार्बन का हमने क्या माना था, कोल माना था, कोल मीन्स कोयला। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, सॉलिड। उसने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो क्या बन गया, गैशियस स्टेट में आ गया। गैशियस स्टेट मतलब गैस की स्टेट में आ गया, कैसे, वो क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया होगा उसकी केमिकल चेंज कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, केमिकल चेंज की वजह से वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा और उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो इनिशियल सब्सटेंस यानी कि पहले के सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंस ले तो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, दीज जनरली कैनॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये कैसी होती है, इररिवर्सिबल होती है, इनको वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया था। जैसे कार्बन को हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस से कार्बन में नहीं बना सकते हैं, जैसे हम दही को वापस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे रिएक्शंस होती हैं, इररिवर्सिबल, यानी कि वापस से चेंज नहीं होती, इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। जैसे कि दही को हम वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, परमानेंट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, जो नए सब्सटेंसेज बनते हैं उनकी बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, मिल्क होता है, मिल्क गाढ़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही ज्यादा गाढ़ा होता है दूध से, विस्कस ज्यादा होता है वो, विस्कस मतलब गाढ़ा। तो इनकी क्या है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज है। जो दही से दूध में कन्वर्जन होता है ना, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, केमिकल आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यानी कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं, और जैसा वो दिखने में होता है, आइडेंटिटी मतलब दिखने में जैसा होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, तो अब जानेंगे हम केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उन नए सब्सटेंसेस की बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो पाता है, केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हो पाती है, केमिकल चेंजेस की वजह से हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि मिल्क से कर्ड में चेंज होना, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना, ये सारी हमारी क्या होती है, केमिकल
रिएक्शंस, यानी कि जो भी प्रोसेस केमिकल चेंज में हो रहा है जिसकी वजह से सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या क्या चीजें चल रही होती है, यानी कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हाट ऑल थिंग्स टेक्स प्लेस। तो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि एलिमेंट या फिर मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, तो एटम क्या होता है, एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट, यानी कि जो सब्सटेंस होता है उनमें जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि वो अपनी जगह से किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं वो वहां पे जाके। ठीक है, एटम्स रीअरेंज होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये एटम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, ताकि एक नई प्रॉपर्टी वाला नया हमारे पास सब्सटेंस क्रिएट हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंजमेंट रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ रिएक्टिंग न्यू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड केमिकल बॉन्ड क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, देखो जो एटम होते हैं वो एक एटम दूसरे एटम से कैसे कनेक्टेड होता है, यानी कि कोई एक चीज कैसे सेटल होती है, हो पाती है, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हुआ हुआ होता है, कैसे कंबाइन हुआ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दो एटम्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स दिखाते हैं, तभी कोई एक चीज जुड़ी रह पाती है, वरना वो टूट जाएगी। अगर एटम्स ही आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे तो वो चीज तो टूट जाएगी बिल्कुल ही। तो एटम में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं, वो आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो जो पुराने केमिकल बॉन्ड बने हुए होते हैं, जो पुराने ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, देखो यहाँ पे है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर रीअरेंजमेंट होता है और फिर नए बॉन्ड बनते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। यानी कि ये तीन पार्ट में ये डिवाइडेड हो गया एक तरह से, कि सबसे पहले पुराने केमिकल बॉन्ड टूटेंगे, फिर एटम रीअरेंज होंगे, फिर नए केमिकल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि जो नई जगह पे जहां पे वो शिफ्ट हुए हैं वहां पे भी वो बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि आपस में अट्रैक्ट होंगे, ताकि वो जो सब्सटेंस है वो टूटे ना, ठीक है, बिखरे ना वो एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एटम्स। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एलिमेंट होता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, तो केमिकल रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन ही रहेगा, वो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो किसी एलिमेंट का अगर एटम है वो उसी एलिमेंट का रहेगा, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ही रहेगा केमिकल रिएक्शन के बाद भी, वो सल्फर नहीं बनेगा या कोई और एलिमेंट नहीं बन जाएगा, एटम सेम रहेंगे, एलिमेंट सेम रहेंगे रिएक्शन के बाद भी, रिएक्शन के पहले भी, बस उनका नंबर कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि दो थे या चार, इस तरह से हो सकता है, दोनों साइड नंबर भी सेम ही होता है। ठीक है, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, यानी कि सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, बाकी वो एटम्स चेंज नहीं होते, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हम मैथमेटिकल जो चीजें होते हैं हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में रखते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में होती है, केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। हमारे मैथमेटिक्स में क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, इस तरह से होती है। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी होता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, सिंबल की हेल्प से, सिंबल जैसे कि प्लस का सिंबल और एरो का सिंबल और फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारे एलिमेंट होंगे उनके फॉर्मूला, जैसे कि कार्बन
और ऑक्सीजन मिलके क्या बना? CO2. CO2. ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बने? CO2. तो ये क्या हो गई हमारी? केमिकल इक्वेशन हो गई. कैसे? क्योंकि इसमें हमने सिंबल का यूज किया, फॉर्मूला का यूज किया. ठीक है, सिंबल्स क्या है? प्लस और एरो. एरो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं इसमें. तो सिर्फ रिवर्सिबल वाला, इरिवर्सिबल वाला ये वाला एरो होगा, और इरिवर्सिबल वाला ये वाला है, सॉरी रिवर्सिबल वाला ये वाला होगा. ये तो रिवर्सिबल वाला होगा और ये इरिवर्सिबल वाला एरो होगा. ठीक है, तो ये क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, जिसकी मदद से हमें केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. देखो, रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट. यानी कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट्स. और वो सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के बाद, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, जिनका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम कैसे शो करेंगे? देखो, ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, 2H2+O2 gives 2H2O. इसमें 2H2 और O2 क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए हैं, तब इन्होंने एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करा है. ठीक है, वाटर. यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? वाटर. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? रिएक्टेंट्स. जब इन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में, जब इनको सनलाइट मिली, तो इन्होंने क्या बनाया? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये प्रोडक्ट है. ये वाली इक्वेशन पता है फोटोसिंथेसिस की है. जब प्लांट्स को वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में. सनलाइट क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट. अब मैं कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, क्या आगे हमारे यूज में आएगा. कैटलिस्ट क्या होता है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी बस प्रेजेंस चाहिए होती है. वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो रिएक्टेंट नहीं होता है, बस उसकी प्रेजेंस चाहिए होती है, उसके आसपास होना चाहिए, मतलब सनलाइट चाहिए, पर वो हमारा रिएक्टेंट नहीं है, वो हमारा कैटलिस्ट है. तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जिसकी प्रेजेंस में ही, जिसके होने पे ही रिएक्टेंट काम करते हैं, वरना वो काम नहीं करेंगे. अब रात को पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होती रात को. यानी कि सनलाइट क्या है? कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन काम नहीं करती है, रिएक्टेंट्स काम नहीं करते. तो ये रिएक्टेंट्स हो गए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन. तो हम एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इसके स्टेप्स यहाँ मेंशन है. देखो, फर्स्ट है, व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर रिटन, देन अ सिंगल हेडेड एरो, एंड एट द लास्ट प्रोडक्ट्स आर रिटन. आप देखो, एक इधर देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? पहले इस फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा था कि पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, उसके बाद एक एरो आता है, उसके बाद राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर रिटन, सारे रिएक्टेंट्स लिखते हैं, फिर एक एरो लगता है, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन वन इन नंबर, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगेगा. अब देखो, यहाँ पे दो थे रिएक्टेंट, एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, तो इन दोनों के बीच में किसका साइन लगा? प्लस का. ये था हमारा सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? इन अ केमिकल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ इज फॉलोड. यानी कि एक केमिकल इक्वेशन के टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ये फॉलो होता है. इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस लॉ में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ में क्या होता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब इसका मतलब क्या है? जो एटम का मास होता है रिएक्शन के टाइम पे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का हमने कोई मास है, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका कोई एक पर्टिकुलर मास है, मान लो कि 1U है उसका मास, 1U है उसका मास, तो उसका रिएक्शन के बाद भी 1U ही रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा.
इसका मतलब है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड करा जा सकता है, ठीक है। यानी कि उतना का उतना ही रहेगा मास, यानी कि मास चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के टाइम पे भी, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है, केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस यानी कि इस साइड अगर रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन दो है तो प्रोडक्ट की साइड पे भी हाइड्रोजन दो ही होना चाहिए, दो से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, यानी कि जैसे हम मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब कि जैसे आप कोशिश करो और रिजल्ट आएगा कभी ना कभी, कैसे ना कैसे तो आएगा। यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि इसको इस तरह से करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, बस आपको ट्राई करना होगा तो ही केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। हमें क्या करना होता है, अगर मान लो यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन वन है दूसरी साइड पे टू है, तो मुझे बराबर बनाने के लिए इधर वन ऐड करना पड़ेगा ना, एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये टू हो जाएगी दोनों साइड पे, तो फिर ये बैलेंस हो गया। तो यानी कि हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा, आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एल जी, वेयर एस इज सॉलिड, एल इज लिक्विड एंड जी इज गैस। अब क्या होता है, जब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो लास्ट में हम उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट यानी कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट में है, तो मैं इसके क्या करूंगी, यहीं पे पास में इसके ब्रैकेट बना के जी लिख दूंगी। मैं पूरा गैस नहीं लिखूंगी, यानी कि मैं ब्रैकेट में गैस नहीं लिखूंगी, मैं जी लिखूंगी। अगर कोई चीज लिक्विड है जैसे कि H2O लिक्विड है, वाटर, H2O क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। अगर H2O लिक्विड है तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, L, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉपर है, कॉपर के हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में S लिख देंगे। इसी तरह से यानी कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट होना चाहिए XYZ, कोई भी एलिमेंट, तो उसके हम ब्रैकेट में जाके उसकी स्टेट लिखते हैं बैलेंस करने के बाद, गैशियस, लिक्विड या फिर सॉलिड। हम पूरा नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते, सिर्फ एस, एल और जी लिखते हैं, ठीक है। एस, एल और जी, जहाँ पे एस सॉलिड है, एल लिक्विड है और जी गैस है। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ सब्सटेंस इज एक्वा स्टेट देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AQ, ब्रैकेट में हम AQ लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। अब एक्वा स्टेट का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मतलब पाउडर फॉर्म सब्सटेंस है, उसमें अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, एक्वा स्टेट, यानी कि वो था तो पाउडर फॉर्म में पर मैंने उसमें लिक्विड ऐड कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर ऐड कर दिया, तो वो किस स्टेट में हो गया, एक्वा स्टेट में, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स पॉइंट। अब जैसे कि एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का, KMnO4। अब इसके मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट में AQ हम लिख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा ब्रैकेट में हम AQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्वस स्टेट में होगा। ये आ गया समझ में। अब सेवेंथ पॉइंट देखो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डबल साइडेड एरो इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ राइट एरो। यानी कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर दोनों साइड से चेंज हो सकता है, तो फिर हम किस तरह से लिखते हैं, सिंगल एरो लगाते हैं, सॉरी डबल साइडेड एरो लगाते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल साइडेड एरो। एट पॉइंट है, रिएक्शन कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर सच एज अ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर रिटन अबव द एरो। अब जैसे कोई कैटलिस्ट कंडीशन है या फिर कोई कंडीशन है जिसकी वजह से ही रिएक्शन होगी, उसके बिना नहीं होगी। जैसे कि मान लो बॉइलिंग ऑफ वाटर सिर्फ हीट की प्रेजेंस में होगा, हीट होगी तभी तो वाटर बॉइल होगा, तो हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर जब रिएक्शन हो रही होगी तो उसके ऊपर लिख देंगे हीट। और हीट को तो लिखने का एक और तरीका है, अगर किसी एरो के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है, अगर किसी एरो के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि हमने इस रिएक्शन में क्या अप्लाई हुआ है, हीट। अगर हीट ना लिखा हो और एरो बना हुआ हो तो समझ जाइएगा कि इस रिएक्शन में हीटिंग प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और ये कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कोई भी चीज है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं जब कोई रिएक्शन अकर होती है। अब नाइन्थ पॉइंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है रिलीज ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है, अब कोई रिएक्शन होती है हाईली एक्सप्लोसिव,
है ना, अगर मान लो यूरेनियम, यूरेनियम बहुत हाई वो है हमारा, रेडियो एक्टिव मेटल है, एलिमेंट है, ठीक है, उससे हम कोई भी अगर रिएक्शन कराते तो वो हाईली एक्सप्लोजिव होती है, यानी कि उसमें बहुत सारी हीट निकलती है उसमें से, तो उस टाइप की रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें जिनको होने पे बहुत सारी हीट निकलती है और शायद ब्लास्ट भी हो सकता है, इसको क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अपोजिट जिसमें हीट नहीं निकलती बिल्कुल, और जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हमने टेस्ट किया है वो बिल्कुल कूल होती है, ठंडी हो जाती है, किसी किसी रिएक्शन में बिल्कुल ठंडी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गई, निकली नहीं, तो ये होती है हमारी एंडोथर्मिक, और ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक जिसमें रिलीज ऑफ हीट होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या क्या लिमिटेशन होती है, यानी कि हम सारी चीजें तो फुलफिल नहीं कर सकती हर चीज, तो लिमिटेशन क्या होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन की क्या क्या हमारे पास होती है, इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन भी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशन होती है, कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या फिर ये आगे भी ऐसी चलती रहेगी कुछ आवर्स या कुछ मिनट तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट क्लियर अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, अब ये हमें कोई भी क्लियर चीज नहीं बताती कि रिएक्टेंट किस कॉन्सेंट्रेशन का है, प्रोडक्ट किस कॉन्सेंट्रेशन का है, यानी कि डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हमें अच्छे से नहीं पता चलता, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।